हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 13 का वीडियो नंबर 8। तो बेटे ये 13वीं यूनिट का 8वां वीडियो है, और इससे पहले 7 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 13 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे यूनिट नंबर 13 के एनसीईआरटी के उदाहरण। तो बेटे आज हमें डिस्कस करना है यूनिट नंबर 13 अर्थात एमीन के एनसीईआरटी के उदाहरणों को। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें स्टार्ट करने हैं यूनिट नंबर 13 के एनसीईआरटी के उदाहरण। ठीक है बेटे, तो हम लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं बेटे यूनिट नंबर 13, यूनिट नंबर 13 एनसीईआरटी उदाहरण। यूनिट नंबर 13 एनसीईआरटी उदाहरण। ठीक है बेटे, तो देखते हैं उदाहरण नंबर 1। पहला उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण है बेटे, निम्न अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरणें लिखिए। अब कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं? नंबर 1 पे दे रखा है बेटे, नंबर 1 पे दे रखा है इथेनोलिक एमीन की C2H5Cl से क्रिया, C2H5Cl से क्रिया, इथेनोलिक एमीन की, एमीन क्या अमोनिया दे रखा है, अमोनिया की C2H5Cl से क्रिया। तो हमें करानी है इथेनोलिक एमीन का मतलब हो जाता है एल्कोहलिक एमीन, यानी यदि अमोनिया को आपने घोल रखा है किसमें, एल्कोहल में। तो इथेनोलिक अमोनिया का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास है अमोनिया है और उसका रिएक्शन कराना है इथाइल क्लोराइड के साथ। तो NH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, HNH2, ये NH3 है और रिएक्शन कराना है किसका बेटे, C2H5Cl का, C2H5Cl। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। बेटे क्या होता है, यहां से तो निकलता है H और यहां से निकलता है Cl, यहां से H निकल जाएगा, यहां से Cl निकल जाएगा। तो जब आप यहां से H और यहां से Cl निकाल लोगे, HCl निकल जाता है एज ए साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट हमारे पास आता है C2H5NH2, C2H5NH2, जिसे आप कह सकते हो इथाइल एमीन। अब बेटे इथाइल एमीन के ऊपर तो एक बार फिर हो जाएगी रिएक्शन C2H5Cl का, कैसे हो जाएगा, यहां से H और यहां से Cl फिर निकल जाएगा, तो ये फिर दोबारा से HCl निकल जाता है। C2H5 एक पहला था और एक नया आ गया है, तो हो जाएगा C2H5 का होल ट्वाइस NH, एक ही तो H बचा है बेटे यहाँ। और
इसका भी रिएक्शन हो जाएगा C2H5Cl के साथ, यहां से H और यहां से Cl, फिर HCl निकल जाता है और हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट आता है वो आता है C2H5 का होल थ्राइस N। यदि आप इसके ऊपर भी रिएक्शन करा देते हो C2H5Cl का, तो अब कोई साइड प्रोडक्ट नहीं निकलता है और हमारे पास मेन प्रोडक्ट आता है C2H5 का। तीन तो ये थे, एक ये हुआ होल फोर एन सी एल, प्लस माइनस आप लिख सकते हो। तो बेटे इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो क्या बना है, ये तो हमारे पास अमोनिया था। क्या था? अमोनिया, ठीक है। ये है इथाइल एमीन, प्राइमरी एमीन है। क्या है? प्राइमरी एमीन। तो आप इसे कह सकते हो इथाइल एमीन और बता सकते हो कि ये एक 1 डिग्री एमीन है। क्या है? 1 डिग्री एमीन। ये क्या है बेटे? डाई इथाइल एमीन। ये है डाई इथाइल एमीन और ये है एक सेकेंडरी एमीन। क्या है बेटे? सेकेंडरी एमीन है। और ये क्या है? ट्राई इथाइल एमीन। ये है ट्राई इथाइल एमीन। यहां लिख दूं बेटे? इसे नीचे लिख लेना आप, ट्राई इथाइल एमीन। और ये है एक टर्सरी एमीन। कैसा एमीन है? टर्सरी एमीन है। लिख सकते हो आप 3 डिग्री एमीन। ये एक तृतीयक एमीन है। और ये क्या है बताओ? ये है टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड, यानी कि एक 4 डिग्री साल्ट। इसका नाम यहां लिख रहा हूं बेटे, टेट्रा इथाइल देखो, टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो ये टेट्रा इथाइल अमोनियम क्लोराइड बना है, ठीक है बेटे। तो ये एक 4 डिग्री साल्ट है। क्या है? 4 डिग्री साल्ट, यानी चतुष्क लवण। तो ऐसे तो लिखना है हमें पहला रिएक्शन। अब देखते हैं दूसरा क्या दिया है इन्होंने, नंबर दो। नंबर दो पे इन्होंने दिया है बेंजाइल क्लोराइड का अमोनी अपघटन, बेंजाइल क्लोराइड का अमोनी अपघटन फिर क्या कहा है? तथा प्राप्त एमीन की 2 मोल CH3Cl से क्रिया, तथा प्राप्त एमीन की 2 मोल CH3Cl से क्रिया। ऐसा करना है हमें, दो स्टेप लेने हैं इसमें। इन्होंने कहा है बेंजाइल क्लोराइड का अमोनी अपघटन, तो सबसे पहले बेंजाइल क्लोराइड यानी बेंजीन रिंग और इसके ऊपर COCl, ये होता है बेंजाइल क्लोराइड। आप लिख सकते हो ये क्या है? बेंजाइल क्लोराइड। और अमोनिया से क्रिया करनी है इसकी, NH3 से। तो आप NH3 को ऐसे लिख लो, HNH2। तो यहां से H निकल जाएगा, यहां से Cl, HCl निकल गया और हमारे पास बचा है C6H5CONH2, ठीक है। तो कह सकते हो आप इसे बेंजाइल अमीन। क्या कह सकते हो? बेंजाइल एमीन, बेंजाइल एमीन।
ये बनाए बेटे बेंजाइल एमीन। अब इन्होंने कहा है कि 2 मोल CH3Cl से क्रिया करानी है, कितने मोल? 2 मोल, 2 मोल CH3Cl। तो 2 मोल CH3Cl के जब हम लेते हैं तो क्या होता है, यहां से तो दोनों H निकलते हैं और यहां से दोनों Cl, 2 Cl है ना, तो 2HCl निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट दोनों CH3 यहां जुड़ेंगे H के जगह, C6H5 CON, पहला CH3 भी और दूसरा CH3 भी, दोनों CH3 किसके जगह जुड़ गए बेटे? H के जगह जुड़ जाते हैं। इसे आप कह सकते हो NN डाइमिथाइल बेंजाइल एमीन। NN डाइमिथाइल और बेंजाइल एमीन तो है ही, NN डाइमिथाइल बेंजाइल एमीन ये बनता है, NN डाइमिथाइल बेंजाइल एमीन। तो इस तरह हमारा होता है पहला क्वेश्चन कंप्लीट, पहला उदाहरण कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम उदाहरण नंबर 2 पर, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे उदाहरण नंबर 2। उदाहरण 2 में कहा है, निम्नलिखित परिवर्तनों के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्नलिखित परिवर्तनों के लिए, निम्नलिखित परिवर्तनों के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए, रासायनिक समीकरण लिखिए। कुछ परिवर्तन इन्होंने दिए हैं जिन्हें आप अंतः परिवर्तन कहते हो, और उसके लिए लिखनी है हमें रासायनिक समीकरण। इसमें सबसे पहला जो दिया है परिवर्तन वो दिया है CH3CH2Cl से, CH3CH2Cl से कहा है इन्होंने बनाने के लिए CH3CH2CH2Cl, यानी कि हमें बढ़ानी है कार्बन परमाणु की श्रृंखला। आपको पता है इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। क्या नाम है? इथाइल क्लोराइड, या आप इसे क्लोरोइथेन भी कह सकते हो। यह है नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, या आप इसे 1-क्लोरोप्रोपेन भी कह सकते हो, 1-क्लोरोप्रोपेन। तो हमें क्या करना है, 2 कार्बन वाले हेलोजन एल्काइल हैलाइड से 3 कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड बनाना है। ठीक है बेटे, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर बताता हूं कि कैसे बनेगा। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो बेटे नंबर 1 देखो क्या दिया है, वहां थोड़ा सा हमारे से मिस्टेक हो गया। इन्होंने दे रखा है CH3CH2Cl से, यानी इथाइल क्लोराइड से बनाना है CH3। ध्यान से देखेंगे गलती क्या हुई, CH2CH2NH2, यानी कि हमें हेलोजन से, एल्काइल हैलाइड से एल्काइल एमीन बनाना है। हमने वहां लिख दिया था Cl, ठीक है। अब मैंने बुक में देखा कि इन्होंने दे रखा है NH2 दे रखा है, तो CH3CH2Cl से हमें CH3CH2CH2NH2 बनाना है। बहुत आसान है, ध्यान से देखेंगे कैसे बनेगा। हम क्या करेंगे बेटे, सबसे पहले लेंगे CH3CH2Cl, ये हमारे पास इथाइल क्लोराइड है, या तो आप इसे इथाइल क्लोराइड कहो या आप इसे कह सकते हो क्लोरोइथेन, एक ही बात है, क्लोरोइथेन भी कह सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे सोडियम साइनाइड का, एल्कोहलिक सोडियम साइनाइड आप लिख सकते हो NaCl। तो यहां से Na निकल जाएगा, यहां से Cl निकल जाएगा, ये NaCl निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट CH3CH2CN, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N,
अब हमें करना है इसका अपचयन रिडक्शन। ऐसे कर सकते हो आप अपचयन, चार नवजात हाइड्रोजन, दो बॉन्ड टूट जाएंगे, दो एच इधर जुड़ेंगे और दो एच जुड़ेंगे इधर, ये बन जाएगा CH3, CH2, यहाँ भी तो CH2 बनेगा बेटे, CH2 और सिंगल बॉन्ड NH2। देखो क्या बना है, तीन कार्बन वाला एल्काइल एमीन, तीन कार्बन वाला एल्काइल माने प्रोपाइल, प्रोपाइल एमीन, ठीक है, या आप इसे IUPAC में प्रोपेनामीन भी कह सकते हो। तो हमने क्लोरोइथेन से बनाया है प्रोपाइल एमीन, या इथाइल क्लोराइड से बनाया प्रोपाइल एमीन। नंबर एक पे तो ये दे रखा था, अब देखते हैं नंबर दो पे क्या दे रखा है, देखते हैं नंबर दो, नंबर दो पे दे रखा है C6H5CH2Cl, C6H5CH2Cl है, और इससे बनाना है C6H5CH2CH2NH2, यानी इसमें भी एक कार्बन परमाणु की संख्या हमें बढ़ानी है। तो कार्बन परमाणु की संख्या देखो, यहाँ कार्बन तीन थे, दो थे कार्बन, और यहाँ कितने हो गए, तीन, बढ़ाई है, और यहाँ कार्बन छह, ये तो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग और इसके बीच में एक कार्बन है, यानी छह और एक सात, यहाँ छह और एक सात, एक कार्बन यहाँ भी बढ़ गया है। तो कार्बन बढ़ाने का तरीका बेटे बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ऊपर है। देखो हम कैसे करेंगे, C6H5CH2Cl है हमारे पास, इसका रिएक्शन हम कराएंगे एल्कोहलिक NaCN के साथ, सोडियम साइनाइड के साथ। तो यहां से Na और यहां से Cl, ये NaCN निकल जाएगा, मेन प्रोडक्ट आएगा C6H5CH2, ये CH2 ज्यों का त्यों है, और सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड बन जाएगा। इस साइनाइड का हम क्या करेंगे, अपचयन 4H, आप लिख भी सकते हो, जैसे यहां लिख सकते हो कि हमने किया है अपचयन, तो दो बॉन्ड टूट जाते हैं, दो एच तो जुड़ते हैं इधर और दो एच जुड़ते हैं इधर, C6H5CH2CH2NH2। देखो कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ गई है ना, तो कार्बन परमाणु की संख्या जब भी आपको बढ़ानी हो तो आपको इसी तरीके से रिएक्शन को फॉलो करना है। वन टू, टू पे फिनाइल है और दो कार्बन वाला एल्केनामाइन है, टू फिनाइल इथेनामाइन, यदि आप इसका नाम लिखना चाहते हो तो इसका नाम होगा टू फिनाइल, यहां लिख देता हूं नाम, टू फिनाइल इथेनामाइन। देखो यही तो है कंपाउंड, वन टू नंबरिंग यदि करोगे तो टू पे फिनाइल है और दो कार्बन वाला एल्केनामीन है, तो टू फिनाइल इथेनामीन या इथेनामाइन आप इसे कह सकते हो। ये था हमारा बेटे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आ जाते हैं उदाहरण नंबर थर्ड पर, उदाहरण नंबर थर्ड, तीसरा उदाहरण देखते हैं क्या है। निम्नलिखित की संरचना एवं IUPAC नाम लिखिए, निम्नलिखित की संरचना, निम्नलिखित की संरचना एवं क्या लिखना है बेटे, IUPAC नाम लिखिए, संरचना बतानी है और IUPAC नाम बताने हैं। इसमें नंबर एक दे रखा है इन्होंने, एमाइड जो हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा, एमाइड जो हाफ मैन ब्रोमेमाइड
अभिक्रिया द्वारा हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा प्रोपेनामीन देता है। प्रोपेनामीन देता है, प्रोपेनामीन देता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा प्रोपेनामीन जब देगा वो एमाइड कौन सा होगा? वो एमाइड होगा प्रोपेनामीन का मतलब एक दो तीन, तीन कार्बन को ही तो आप प्रोप कहते हो, और एमाइड बनाना है तो तीन कार्बन वाला आप एमाइड बना दो, बस ये संरचना होगी उसकी। भाई यदि इसके ऊपर आप हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया करोगे, इसका Br2 से रिएक्शन कराओगे और 4KOH से रिएक्शन कराओगे, तो आपको पता है कि मेन प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, CH3CH2 CH2NH2। इसका मतलब ये है प्रोपेनामीन मिलेगा हमें। क्या मिलेगा बेटे? प्रोपेनामीन। तो इस कंपाउंड को आप क्या कहोगे, कितने कार्बन है इसमें? एक दो तीन चार, चार कार्बन है और एल्केनामाइड है, तो चार कार्बन वाले एल्केनामाइड को आप कहोगे ब्यूटेनामाइड, तो वो कंपाउंड है ब्यूटेनामाइड। इन्होंने कहा है कि IUPAC नाम भी बताना है, हमने IUPAC नाम बता दिया ब्यूटेनामाइड। भाई चार कार्बन है ना, 1 2 3 4, और इन्होंने कहा था संरचना भी बतानी है, तो संरचना भी हमने लिख दी। एमाइड जो, कौन सा एमाइड है जो हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा प्रोपेनामाइन देता है, तो हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा प्रोपेनामाइन इससे ही तो मिलेगा। देखो तीन कार्बन वाला एमीन मिलेगा, ये CO तो हट जाता है बीच में से हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया में। अब आ जाते हैं नंबर सेकंड पे, देखते हैं नंबर सेकंड क्या है। नंबर सेकंड में दिया है बेंजामाइड के हाफ मैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण से प्राप्त एमाइन, बेंजा माइड के हाफ मैन ब्रोमाइड निम्नीकरण से हाफ मैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण से, क्या कह रहे, निम्नीकरण से प्राप्त एमीन, एमीन बताना है कि कौन सा प्राप्त होगा। ठीक है, निम्नीकरण में थोड़ा सा मात्रा से ही करोगे, निम्नीकरण कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, निम्नीकरण से प्राप्त एमीन बताना है कौन सा है। बेंजामाइड, भाई बेंजामाइड क्या होगा? बेंजामाइड ऐसा ही तो होगा, बेंजीन रिंग और इसके ऊपर CONH2। अब मुझे एक बात बताओ, यदि आप इसके ऊपर हाफ मैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन कर दोगे तो बीच का CO गायब हो जाएगा ना, यहाँ से CO गायब हो जाएगा, तो हमारे पास जो एमीन बनेगा वो ऐसा बनेगा, बेंजीन रिंग और उसके ऊपर क्या होगा, NH2। इन्होंने कहा था कि बेंजामाइड के हाफ मैन ब्रोमाइड निम्नीकरण से प्राप्त एमीन, तो निम्नीकरण से प्राप्त एमीन तो यही होगा, बेंजामाइड का यदि हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया आप कराओगे तो यही तो बनेगा। नाम आपको बताइए इसका, एनिलीन है। क्या नाम है? एनिलीन। ठीक है, अच्छा एनिलीन को आप बेंजेनामीन भी कह सकते हो, बेंजीन का एमीन है ना, बेंजेनामीन, ये भी इसका नाम आप लिख सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये? थर्ड था, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छा अब आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, अगला क्वेश्चन कराऊंगा फिर मैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट?
ठीक है। चलो बेटे अब देखते हैं हम उदाहरण नंबर 4। उदाहरण 4 देखते हैं, ध्यान से देखेंगे सब। इसमें कहा है निम्नलिखित को क्षारीय प्रबलता के घटते क्रम में लिखिए। निम्नलिखित को क्षारीय प्रबलता के क्षारीय प्रबलता के घटते क्रम में लिखिए। तो हमें क्या करना है, क्षारीय प्रबलता के घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, किसे किसे लिखना है देखो। C6H5NH2, ये तो है एनिलीन, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 जुड़ा है। एक इन्होंने दिया है C2H5NH2, C2H5NH2 यानी इथाइल एमीन। क्या दिया है, इथाइल एमीन। एक दिया है बेटे इन्होंने C2H5 का होल ट्वाइस NH यानी डाई इथाइल एमीन। क्या दिया है, डाई इथाइल एमीन। और एक दिया है इन्होंने NH3 यानी अमोनिया। तो ये 4 इन्होंने यौगिक दिए हैं और हमारे से पूछा गया है कि क्षारीय प्रबलता के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो यहाँ लिखते हैं हम इसका उत्तर। बेटे एक बात बताओ, आप जब हम इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि ये जो एमीन ग्रुप होता है ना, ये NH2 और इसके साथ जुड़ा हुआ जो भी ग्रुप है, ये जो भी ग्रुप है आपको पता है कि इस नाइट्रोजन एटम के ऊपर होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। और ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जितनी सरलता से किसी दूसरी स्पीसीज को दिया जाएगा, दूसरे परमाणु को, आयन को दिया जाएगा, हम कहेंगे कि हमारा यौगिक उतना ही अच्छा क्षारीय प्रबलता प्रदर्शित कर रहा है, उसका बेसिक नेचर उतना ही अच्छा है। तो वो डिपेंड इस बात पर भी करता है कि जो ग्रुप अटैच है वो ग्रुप कैसा है। क्या वो ग्रुप ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसे कहते हैं -I ग्रुप। यदि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, इसकी तरफ खींचेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने मुश्किल हो जाएंगे, इनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, इनका उपसह संयोजक बंध में किसी दूसरी स्पीसीज को देना मुश्किल हो जाएगा। तो यदि आपके पास ये -I ग्रुप है वो क्या करेगा, एमीन के क्षारीय प्रकृति को घटा देगा। क्या कर देगा बेटे, एमीन की क्षारीय प्रकृति को घटा देगा, क्योंकि वो एक -I ग्रुप है जो यहाँ अटैच है, ये जी माने ग्रुप। पर यदि मैं आपको कह दूं कि मान लो हमारा जो ग्रुप है वो +I ग्रुप है यानी ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर भगाता है यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अवशोषित अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता है, तो यदि कोई ऐसा ग्रुप होगा ना तो बेटे वो क्या करेगा, यानी +I ग्रुप क्या करेगा, नाइट्रोजन एटम के ऊपर इन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज होने में हेल्प करेगा यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से किसी दूसरे स्पीसीज में दिया जा सकता है उपसह संयोजक बंध बनाने के लिए। तो इसका मतलब हमें एक बात समझ में आती है कि +I ग्रुप क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। +I ग्रुप यानी धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दिखाने वाला समूह क्या करता है, क्षारीय प्रबलता को बढ़ा देता है। तो यहाँ क्षारीय प्रबलता बढ़ाते हैं +I ग्रुप। अब देखो यहाँ देखो कि इसके पास कितने हैं, 2 +I ग्रुप हैं। देखो इसके पास भाई इथाइल ग्रुप तो ऐसा ही है, इलेक्ट्रॉन को इधर को भेजने वाला, तो 2 क्या है, +I ग्रुप है। इसलिए मैं लिखूंगा कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस ये होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ C2H5 का होल ट्वाइस NH। मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है डाई इथाइल एमीन, क्योंकि इसके पास दो दो क्या है भाई, ये एमीन है ना NH, इसके पास लोन पेयर है ना ये, तो
तो यदि इसके ऊपर दो C2H5 ग्रुप जुड़ जाते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये लोन पेयर आसानी से दिया जा सकेगा किसी भी स्पीसीज को। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि डाई इथाइल एमीन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो हो गया। उसके बाद ये है C2H5NH2 इथाइल एमीन, इसके पास एक ही प्लस आई ग्रुप है ना, और बेटे उसके बाद होगा कितने हुए, दो हुए, उसके बाद होगा NH3। NH3 के पास एक भी प्लस आई ग्रुप नहीं है, और बेटे सबके बाद में हम लिखेंगे सबसे कमजोर बेस होगा ये बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर है NH2, क्योंकि आपको पता है ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर क्या है NH2, ये है क्या है लोन पेयर, एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेंगी इसकी, पांच बनेंगी, और आपको पता है कि ये जो पेयर है ये यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर इस तरीके से ये बॉन्ड शिफ्ट होंगे, तो आपको पता है कि पांच संरचनाओं में से तीन संरचनाएं ऐसी होंगी जिनमें नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं होगा। तो जब लोन पेयर अवेलेबल नहीं होगा तो क्या यह नाइट्रोजन परमाणु किसी दूसरी स्पीसीज को उपसह संयोजक बंध के रूप में इस लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, नहीं करेगा, और यदि ये लोन पेयर को डोनेट नहीं करेगा तो हम इसे बेस मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा था लुईस अम्ल और लुईस क्षार, जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को डोनेट करता है वो होता है क्षार, लुईस क्षार। तो इसलिए हमें पता चला है कि जब ये NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो जाता है तो बेंजीन रिंग में होता है अनुनाद, और अनुनाद के कारण क्या होता है, नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व घट जाता है, या यूं कह दो कि इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी या लोन पेयर की अवेलेबिलिटी माने उपलब्धता घट जाती है, और जब अवेलेबिलिटी घटेगी तो क्या होगा, क्षारीय प्रबलता भी घटेगी। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से क्षारीय प्रबलता घट जाती है यदि बेंजीन रिंग आ जाए संरचना में, क्योंकि बेंजीन रिंग को दिखाना है क्या, अनुनाद दिखाना है, अनुनाद, और अनुनाद के कारण ही नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटेगा, और नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटेगा तो उसका दूसरे को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का नेचर घटेगा, यानी बेसिक करेक्टर उसका घटेगा। तो यहां यदि आपसे कोई पूछता है कि ये किस आधार पर आपने उत्तर दिया है, इसका कारण कारण है प्लस आई इफेक्ट ही तो देखा था हमने। ठीक है बेटे, तो प्लस आई प्रभाव लिख दो यहां, प्रभाव, प्लस आई प्रभाव का घटता क्रम, क्योंकि आपको पता है प्लस आई प्रभाव ज्यादा होगा तो एमीन ज्यादा प्रबल क्षार की भांति व्यवहार करेगा, ये चीज मैंने आपको चैप्टर में डिस्कस करा रखी है। अब आ जाते हैं हम उदाहरण नंबर पांच पर, उदाहरण नंबर पांच देखो क्या है, उदाहरण पांच में इन्होंने कहा है आप 4-नाइट्रोटोलुइन को, आप 4-नाइट्रोटोलुइन को 2-ब्रोमोबेंजोइक एसिड में कैसे परिवर्तित करेंगे, 2-ब्रोमोबेंजोइक एसिड में कैसे परिवर्तित करेंगे, ये है क्वेश्चन, 4-नाइट्रोटोलुइन को 2-ब्रोमोबेंजोइक एसिड में कैसे परिवर्तित करेंगे। अब यहां से देखते हैं बेटे कैसे परिवर्तित करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे,
फोर नाइट्रो टोलुइन, देखो ऐसा ही तो होता है। टोलुइन की बात यदि हम करते हैं तो यहाँ होगा CH3, और 1 2 3 4, 4 पे होगा नाइट्रो, ये नाइट्रो लिख दिया और 4 नाइट्रो टोलुइन बन गया। 4 नाइट्रो टोलुइन को 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो इसका रिएक्शन आप, ये ऑर्थो डायरेक्टर होगा, इसका रिएक्शन आप करा दो ब्रोमीन के साथ। ये Br2 लिखा है, देखो क्या होगा, यहाँ से H, यहाँ से Br, ये निकल जाएगा HBr, और हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, CH3। यहाँ क्या आ गया बेटे, Br आ जाएगा यहाँ, ये वाला Br नहीं तो अटैक कर रहा था यहाँ, और ये है NO2। इस तरह का कंपाउंड हमें मिला है, हमें बनाना है 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, यानी दूसरे पे ब्रोमो हो और बेंजोइक एसिड हो, यहाँ हो COOH, ऐसा ही तो बनाना है। NO2 भी हटाना है, CH3 की जगह COOH आ जाना चाहिए। अब आप एक काम करो, इसका अपचयन करो। अब इसका क्या करेंगे, अपचयन, देखो SN/HCl, नवजात हाइड्रोजन मिलेंगे, और आपको पता है कि ये जो NO2 ग्रुप है, ये NO2 ग्रुप, ये बदल जाएगा NH2 में, किस में बदल जाएगा, NH2 में। ये चीज मैंने आपको सिखा रखी है कि कैसे बदलता है। देखो यहाँ तो है CH3, यहाँ है Br, और ये बन जाएगा NH2, ये चीज सिखा रखी है कि कैसे बनता है। देखो चलो, अच्छा एक बार और देख लो, ये कौन सा ग्रुप था, यहाँ NO2 था ना, N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये NO2 का स्ट्रक्चर है। 6 हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड टूट जाते हैं, 2 हाइड्रोजन तो इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, और ये बॉन्ड टूट जाता है, इसके दोनों हाइड्रोजन जुड़ते हैं नीचे, आपको सिखा रखी है ये बात। तो एक जल का अणु, दूसरा, दो जल के अणु तो निकल जाएंगे एज ए साइड प्रोडक्ट। आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, परंतु इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। एन के पास कितने ऐसे हैं, 2, तो यहाँ मेन जो बचा है वो NH2 तो बचा है। ठीक है बेटे, ये आ गया है हमारे पास NH2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर रिएक्शन कराएंगे NaNO2 प्लस HCl का। अब बताओ NaNO2HCl रिएक्शन सिखा रखा है आपको, बताओ सिखा रखा है क्या, डाई एजोटीकरण, डाई एजोटाइजेशन। NH2 किस में बदल जाता है, N2Cl में। आपने यदि नोट्स अपने पूरे कर रखे हो तो आपको बिल्कुल पता होगा। ठीक है, ये ऊपर क्या है हमारे पास, CH3 है, ये लिख दिया, यहाँ क्या है Br है, ये लिख दिया, और NaNO2HCl का जब रिएक्शन कराते हैं हम एमीन पर, तो ये जो NH2 ग्रुप है ये बदल जाता है N2Cl में, तो ये डाइजोनियम क्लोराइड बन जाता है। इस रिएक्शन को आप अपनी नोटबुक में देख सकते हो, मैंने आपको कराया था कल, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यही पढ़ाया था कल, और उसमें ये रिएक्शन आपको बताया था कैसे होता है। अब यदि आप इसका रिडक्शन कर देते हो, रिडक्शन माने अपचयन, H2O और H3PO2 से, तो क्या होता है, आपको मिलते हैं नवजात हाइड्रोजन। ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा यहां से, चलो मैं लिख देता हूं, एक एच यहां जुड़ेगा, एक एच यहां जुड़ेगा। ठीक है, यहां से तो ऊपर तो ही आ जाएगा आपका बेंजीन रिंग, ऊपर क्या है इस पे, CH3 है, और यहाँ क्या है बेटे, Br है, और ये N2S अलग निकलेगी, HCl अलग निकलेगा। आप लिख सकते हो कि यहाँ N2 भी निकला है और HCl भी, वैसे साइड प्रोडक्ट को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो हमें यहाँ मिल जाता है बेटे, क्या मिलता है बताओ, ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन, बस ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन हमें मिला है। अब आपको बताइए ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन का, देखो यहाँ एच है ना, आप इस एच को ऐसे दिखा सकते हो, वैसे दिखाने की कोई आवश्यकता तो नहीं है। अब आप इसका ऑक्सीडेशन करो, ऑक्सीडेशन KMnO4 से, मान लो क्षारीय KMnO4 लिया है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको पता है CH3 को
अल्कोहल में, फिर एल्डिहाइड में, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट आएगा उसमें ऊपर होगा यहाँ COOH और यहाँ होगा Br। अब बताओ ऑर्थो ब्रोमो बेंजोइक एसिड है या नहीं है, यही तो बनाना था। टू ब्रोमो बेंजोइक एसिड, वन और टू, ये है टू ब्रोमो बेंजोइक एसिड, इस तरह बनता है टू ब्रोमो बेंजोइक एसिड। किससे बना है? फोर नाइट्रो टोलुइन से। देखो फोर नाइट्रो टोलुइन, ठीक है बेटे। अब देखते हैं अगला उदाहरण। आगे तो बेटे बुक में कोई उदाहरण दिया ही नहीं हुआ है, तो चलो पांच उदाहरण दिए थे ये हमने कर लिए। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि हमारी बुक के जो एनसीईआरटी के उदाहरण हैं यूनिट नंबर 13 के, वो आपके समझ में आए होंगे। बस बेटे आप एक बात का ध्यान रखना है आपको, कि आप जो है किसी भी यूनिट को जब कंप्लीट कर लेते हो एनसीईआरटी बुक से, तो एनसीईआरटी के उदाहरण भी या तो उन्हीं के साथ साथ करते रहो या फिर बाद में जरूर करो। एनसीईआरटी के उदाहरण सारे करने हैं आपको, एनसीईआरटी के पाठ्य निहित प्रश्न भी सारे करने हैं, और एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न जितने भी दिए गए हैं चैप्टर के बाद में, वे भी सारे करने हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बेटे नीट के एग्जाम में भी इन्हीं में से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी को बिल्कुल मजबूत करके जाना है। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।